दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ कक्षा 12वीं के लिए एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली में हमें परिवर्त आव्यूह के बारे में देखना है। ये परिवर्त आव्यूह क्या होता है? यदि कोई आव्यूह ए है और यदि हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो इस प्रकार से जो नया आव्यूह बनता है उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। यदि हम किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो स्तंभ स्वतः पंक्ति बन जाएंगे। तो ऐसा जो नया आव्यूह प्राप्त होगा उसे हम परिवर्त आव्यूह कहेंगे। तो इस प्रश्नावली में परिवर्त आव्यूह से संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे। देखिए, प्रश्न पहला है, निम्न आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। हमें एक आव्यूह दिए गए हैं, उनमें से उनका परिवर्त हमें ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 5, एक आव्यूह दिया है 5 1/2 ऋण 1, तो हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। चलिए देखें कैसे हल करेंगे। इस आव्यूह को हम एक नाम दे देते हैं, माना ए बराबर, ये हो जाएगा हमारा 5 1/2 और ऋण 1, ये हमारा एक स्तंभ आव्यूह है। तब हमें इसका परिवर्त निकालना है, तो किसी आव्यूह के परिवर्त को हम उसके डैश के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो जब ये स्तंभ आव्यूह है तो इसके स्तंभ को हम पंक्ति में बना दें तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वह हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाएगा, 5 1/2 और ये जो ऋण 1 है, ये हमारा जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ यह परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न, एक आव्यूह दिया है 1 ऋण 1 2 3, इसका हमें परिवर्त निकालना है। चलिए इसका परिवर्त कैसे निकालें। हम मान लेते हैं इस आव्यूह को एक नाम दे देते हैं, माना ए बराबर, इस आव्यूह को ए कहा जिसके अवयव हैं 1 ऋण 1 2 और 3। तब इसका परिवर्त ए डैश बराबर हो जाएगा, जो ये हमारा पंक्ति है इसको हम स्तंभ में लिख दें तो 1-1, और दूसरी पंक्ति जो है ये है 2-3, इसको भी हम स्तंभ में लिख दें तो ये जो हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा यह आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। प्रश्नावली 3.3 का पहले का तीसरा प्रश्न, एक आव्यूह दिया है हमें -1 5/6 √3 5/6 और 2 3-1, इसका हमें परिवर्त निकालना है, अर्थात परिवर्त को हम ए डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो ए डैश निकालना है। हम मान लेते हैं इस आव्यूह को ए नाम नहीं दिया है तो हम इसको ए मान लेते हैं, यह है ऋण 1 5/6, यह वर्गमूल 3 5/6 2 3 और ऋण 1, इसीलिए जो ए डैश हो जाएगा, जो हमारी पंक्ति हैं उनको स्तंभ में बना दें तो स्तंभ जो स्वतः वह पंक्ति बन जाएंगी, या स्तंभ को यदि हम पंक्ति बना दें तो -1 ये जाएगा √3 और ये जाएगा 2, ये वाला स्तंभ दूसरा पंक्ति बन जाएगा 5 5 3, और जो तीसरा स्तंभ है वह तीसरी पंक्ति में लिख दिया जाएगा तो यह जो हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा यह हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न, यदि ए बराबर हमें दिया है, एक आव्यूह दिया है ऋण 2 3 5 7 9 2 1 1 तथा बी बराबर दिया दूसरा आव्यूह ऋण 4 1 ऋण 5 1 2 0 1 3 1 है, तो सत्यापित कीजिए। हमें सिद्ध करना है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो देखिए इसको सत्यापित कैसे करें, तो हमें चूंकि ए आव्यूह ए दिया गया है -1 5 और 2, कॉलम में लिख रहे हैं हम 2 7 और 1, ये दिया हमें 3 9 और 1, इसको सत्यापित करने के लिए हमें ए डैश बी डैश और ए प्लस बी के मान की आवश्यकता है। तो इससे हम ए डैश का मान निकालें तो इसका मतलब है ए का परिवर्त अर्थात आव्यूह ए की जो स्तंभ है उसको पंक्तियों में लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा -1 5 2, और ये दूसरी जो स्तंभ है उसको पंक्ति में लिख दें 2 7 1, और जो तीसरा स्तंभ है 3 9 1 इसको भी हमने पंक्ति में लिख दिया तो ये हमें मिल गया
ए डैश तथा बी बराबर दिया गया है हमारे पास ऋण चार एक 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 दो तीन ऋण पाँच शून्य और एक। तो इससे हम निकालना है बी डैश, तो जो बी डैश हो जाएगा वह हो जाएगा जो पहला स्तंभ है उसको हम पंक्ति में लिख दें ऋण चार एक एक, दूसरा स्तंभ है एक दो और ये हो जाएगा यहाँ पर तीन, और जो तीसरा स्तंभ है ऋण पाँच शून्य और एक, इसको हमने लिख दिया पंक्ति में, तो ये हमारा मिल गया बी डैश। अब हमें चाहिए ए प्लस बी, तो निकालें ए प्लस बी का डैश। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकालें, तो पुट द वैल्यू ए, ए का मान रखें, ए का मान है हमारा ऋण एक पाँच दो, ये हमारे पास दो सात एक, ये हमारे पास तीन नौ एक, ये ए का मान रख दिया। धन बी, बी का मान रखें, तो बी का मान है ऋण चार एक एक एक, ये है ऋण पाँच, ये दो ज़ीरो, ये हमारे पास तीन और एक, ये बी का मान रख दिया। अब इनको जोड़ दें तो ये जाएगा ए प्लस बी बराबर, जोड़ें तो ऋण एक जुड़ेगा ऋण चार से, तो धन और ऋण ऋण चार, ये जो दो जुड़ेगा वह जुड़ेगा एक से, और तीन धन ऋण ऋण ये हो जाएगा पाँच, पाँच धन ये होगा एक, संगत अवयव जुड़ेंगे, सात जुड़ेगा दो से और नौ जुड़ेगा काय से, नौ का योग होगा शून्य से, फिर दो का योग हो जाएगा एक से, एक का योग होगा तीन से, और इस एक का योग होगा एक से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अवयव मिलेगा ये हो जाएगा धन ऋण ऋण धन, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋण पाँच, ये हो जाएगा तीन, पाँच में से तीन को घटाएंगे हमारे पास बच जाएगा ऋण दो, पाँच और एक हो जाएगा हमारा छः, सात और दो हो जाएगा नौ, नौ में शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य, दो और एक हो जाएगा तीन, तीन और एक हो जाएगा चार, और एक और एक हो जाएगा हमारा दो। अब हमें चाहिए है ए प्लस बी का डैश बराबर, हमारे पास हो जाएगा जो अवयव है पाँच तीन ऋण दो, यह आया छः नौ ए धन बी नौ, और तीन चार दो, इसका हो जाएगा डैश। तो दिस एम्प्लाइज ए प्लस बी का जो डैश आ जाएगा हमारे पास, इस जो ए प्लस बी आया उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, अर्थात जो स्तंभ है हमारा पहला पाँच छः तीन, इसको हम बदल दें तो जो पहला स्तंभ था उसको हमने पंक्ति में लिख दिया, दूसरा स्तंभ है हमारा तीन नौ चार, तो इसको हम पंक्ति में लिख दें तीन नौ चार, तीसरा स्तंभ है हमारा ऋण दो नौ दो, इसको भी हम पंक्ति में लिख दें तो ऋण दो नौ दो, यह आ गया हमारा ए प्लस बी के डैश का मान, जिसको हमने दे दिया समीकरण नंबर एक। अब हमें निकालना है ए डैश प्लस बी डैश तथा ए डैश प्लस बी डैश बराबर, तो ए डैश का मान, तो ए डैश का मान हम रख दें, ये हमारे पास ऋण एक दो तीन, ये हमारे पास पाँच सात नौ, ये है दो एक एक, धन बी डैश का मान, तो बी डैश का मान है हमारे पास ऋण चार एक ऋण पाँच, एक दो शून्य एक तीन एक, इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ें ए डैश प्लस बी डैश बराबर, ऋण एक जुड़ेगा ऋण चार से, तो धन ऋण ऋण चार हो जाएगा, पाँच जुड़ेगा हमारा एक से, ये दो जुड़ेगा हमारा एक से, संगत अवयव का योग होगा दो का योग हो जाएगा हमारा एक से, सात का योग हो जाएगा दो से, एक का योग हो जाएगा तीन से, तीन धन ऋण ऋण ये हो जाएगा पाँच, नौ का योग हो जाएगा जीरो से, और एक का योग हो जाएगा एक से, तो हमारे पास आ जाएगा जब इनका योग करेंगे ऋण ऋण धन चार और एक पाँच, बड़ी संख्या का निशान, पाँच और एक छः, दो और एक तीन, दो और एक हो जाएगा तीन, सात और दो नौ, तीन और एक हो जाएगा चार, पाँच में से तीन को घटाएंगे दो, बड़ी संख्या का निशान, नौ में शून्य को जोड़ेंगे नौ, एक और एक को जोड़ेंगे ये जाएगा दो, योग्य हमारा समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो को देखें एक व दो से, जब हमने ए प्लस बी के डैश को हल किया तो जो हमारी वैल्यू आई वह ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू के बराबर है, दैट्स मीन्स हमारा आ जाएगा ए प्लस बी का होल डैश बराबर हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, और यही हमें प्रूफ करना था कि यह सत्य है या
नहीं। प्रश्नावली 3.3 का पांचवे का पहला प्रश्न, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहां ए बराबर है 1-4-3, ये एक स्तंभ आव्यूह है, बी बराबर -1-2-1, ये एक पंक्ति आव्यूह है। इसे हमें सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमारे पास ए का मान दिया है 1-4 और 3 व बी का मान दिया है हमारे पास -1-2 और 1। तो हमें चाहिए ए बी का डैश, तो सबसे पहले हम निकालना है सबसे पहले ए बी, तो इसलिए ए बी बराबर आव्यू ए है हमारा -1-4 और 3 इंटू आव्यू बी है हमारा -1-2 और 1। जब हम इनका गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से यानी एक का गुणा -1 से होगा तो हमारे पास आ जाएगा -1, फिर एक का गुणा जब 2 से होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2, और एक का गुणा जब 1 से होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, फिर -4 का गुणा -1 से होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, -4 का गुणा जब 2 से होगा तो ये हो जाएगा -8, और -4 का गुणा जब 1 से होगा तो ये हो जाएगा -4, 3 का गुणा -1 से होगा तो -1, 3 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा 3-2-6, और 3 का गुणा 1 से होगा तो ये हो गया 3। तो इसीलिए ए बी का डैश बराबर जो ए बी की वैल्यू है ये हमारी -1-4-3, ये हमारे पास 2-8 और 6, 1-4 और 3, और इसका भी हो जाएगा डैश। तो इसका मतलब है कि ए बी का डैश बराबर जो हमारा पहला स्तंभ है उसको पंक्ति में -1-4-3, दूसरा स्तंभ है उसको दूसरी पंक्ति में -8-4, फिर तीसरा जो स्तंभ है उसको तीसरी पंक्ति में, दैट्स मीन्स 1-4 और 3, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा ए बी का डैश, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हमें चाहिए बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश, तो चूंकि बी डैश ए डैश बराबर बी डैश ए डैश, तो बी की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, -1-2-1, इसका हो गया डैश, और ए की वैल्यू हो गई हमारी 1-4 और 3, इसका हो गया डैश। तो दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा बी डैश ए डैश बराबर, ये जो हमारा पंक्ति आव्यूह है ये बन जाएगा स्तंभ आव्यूह -1-2-1, और ये जो स्तंभ आव्यूह है ये बन जाएगा पंक्ति आव्यूह 1-4 और 3। अब हमें इनका आपस में गुणा करना है, तो गुणा करें पंक्ति का गुणा स्तंभ से, तो -1 का गुणा 1 से होगा तो ये जाएगा -1, -1 का गुणा जब 4 से होगा तो ये जाएगा 4, -1 का गुणा जब 3 से होगा तो जाएगा -3, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2, 2 का गुणा जब 4 से होगा तो 8, 2 का गुणा 3 से होगा तो ये 6, 1 का गुणा 1 से होगा 1, 1 का गुणा 4 से होगा 4, और 1 का गुणा 3 से होगा तो ये 3, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को देखें, समीकरण 1 व 2 से दोनों ही के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, अर्थात ए बी का डैश बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश, और यही हमें सिद्ध करना था।